सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं बनी हुई कमीज से नाप लेके कैसे आप कटिंग करेंगे। और दोस्तों, ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे काफ़ी ज़्यादा टिप्स जो कि आपके काफ़ी काम आएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने कपड़ा प्रेस करके पूरा साफ़ कर लिया है, ठीक है। तो आप पहले कोई भी कपड़ा कटिंग करने से पहले प्रेस करके साफ़ कर लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा बूटी वाला कपड़ा है। आप यहाँ देखेंगे, ये जो हमारी बूटी है ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमें कटिंग करनी है तो उसमें बड़ी बाजू के साथ आप कभी भी कटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाती है कि बूटी जो है एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे जाती है। हमें बूटियाँ ऊपर लेके जानी है। तो सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे, बूटी वाले कपड़े में आप इस तरीके से डबल कपड़े को मिलाएंगे। अगर आपकी लंबाई पूरी हो तभी आप मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप बीच में कट करें और लंबाई पूरी ना हो तो वो आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए आप पहले नाप लें। तो देखिए दोस्तों, उसको आप सेंटर से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। कटिंग करने के बाद अपने एक पल्ले को हटाएंगे हम, और दूसरे पल्ले की दोस्तों ये जो हमारी बूटी है ऊपर की तरफ रखनी है। हमें हमेशा यहाँ से हाथ चलाना होता है। तो हम आपको बताते हैं कि किस हिसाब से आप निकालेंगे कपड़े को। दोस्तों, ये हमारी कमीज है, हम क्या करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको नापना है इसकी हिप, और कपड़े के हिसाब से नापना है आपको। अगर आप नॉर्मल नाप रख रहे हैं तो आप उसके हिसाब से रखें, लेकिन हमेशा नाप लेना है। तो इन चीटे को देखिए, इधर ऐसे रखने के बाद आप इसको इस तरीके से हल्का खींच के नापेंगे। तो ये हिप है इसकी 18.5। उसके बाद घेरा नापेंगे दोस्तों, घेरा नापेंगे तो हमारा ये घेरा है 19 इंच। तो हमारा जो हिस्सा ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी की हिप 18.5 है तो कोई घेरा पहनता है 17.5, लेकिन ज़्यादातर घेरा 18.5 है तो 19 होगा या 18.5 होगा। तो इसका घेरा है 19 इंच। तो दोस्तों, 19 इंच का घेरा है तो हम 19 का आधा, क्योंकि ये हमारा हाफ नाप था जो हमने दिखाया था, हमें लेना है उसका भी हाफ नाप। तो 19 है तो देखिए, यहाँ से आप इस तरीके से 19 है तो 9.5 पे निशान लगाएंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा 11.5 पे निशान लगाएंगे। तो 11.5 का हमारा निशान होगा, इसी हिसाब से हम यहाँ से भी 11.5 पे निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद दोस्तों, इस निशान से दूसरे वाले निशान को पकड़ के आप इस तरीके से जब बिछाएंगे तो ये ऑटोमेटिक एक, ये देखिए, खड़ा कपड़ा हो जाएगा एक तो आपका। और इसे अच्छी तरीके से बिछाने के बाद काउंटर पर कटिंग करेंगे तो ये चीज़ देखनी है आपको, यहाँ की गैपिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर पतला हो गया तो आपको एक बराबर रखनी है। और दोस्तों, उसके बाद हम इस पर प्रेस मार के इसकी क्रीज बिठा लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, देखिए इस जगह पे आप देखेंगे हल्का सा जो भी आड़ापन है निकल गया, क्योंकि जो हम इसे पकड़ के रखते हैं तो बिल्कुल ओके कपड़ा आपका आ जाता है, जो भी तिरछापन होता है वो सब निकल जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसकी कमीज़ की लेंथ नापेंगे। तो कमीज़ को देखिए आप इस तरीके से लें, ये ट्रिक भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये टिप आपके लिए बहुत काम करेगी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही बनाएं कभी भी आप बनाएंगे। तो देखिए, इस हिसाब से हम ऊपर से यहाँ से इन चिटे रखेंगे और पकड़ने के बाद नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ लंबाई नापेंगे। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 38 इंच। तो 38 इंच है तो हम ऊपर से नापते हैं इसकी लंबाई कितना है कपड़ा। हमारा कपड़ा काफ़ी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे की तरफ से देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर इसको सीधा करने के लिए एक निशान लगा लें। सीधा करने के बाद दोस्तों, तकरीबन जो ये निशान लगेगा ये आपका 2.5 इंच या 2.5 इंच का होता है फोल्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारा नीचे कढ़ाई का हिस्सा नहीं है तो हम इतना फोल्ड के लिए निशान लगा लेंगे। दोस्तों, जब ये आप निशान लगा लेंगे उसके बाद आपकी 38 इंच की लंबाई है, तो यहाँ से आप देखिए 38.5 नाप रखेंगे इस तरीके से और ऊपर की तरफ आप लेके चले जाएंगे, ठीक है। इन चीटे को सीधा ले जाने के बाद आप निशान लगा लेंगे तो 38.5 में हमारा यहाँ पर कंधी दबेगी तो 38 इंच तैयार आ जाएगी और बाकी नीचे तुरपाई का फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 38 नाप हमारा ये वाला था, हम इस नाप पे चलेंगे, ये बड़े वाले पे। उसके बाद दोस्तों, अब आपको किस किस तरीके से निशान लगाने में आपको बताता हूँ।
ये देखिए जहाँ से आपका चाक ओपन है, ठीक है, आपको ये लंबाई नापनी होती है यहाँ से, और हमेशा नापें। कभी कभी तिरछा होता है किसी का इस तरीके से, जैसे इंची टेप जा रहा है घेरा, तो आपको ऐसे नहीं नापना, आपको हमेशा सीधे में नापना है। तो हमने ऊपर से देखिए नापा सीधे में, तो ये हमारा 17 इंच आ रहा है। तो ये देखिए नीचे की तरफ से हम 17 रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो नाप है हिप का, जो कि हमने 18.5 नापा था, देखिए एक बार मैं और नाप के दिखा देता हूँ आपको किस हिसाब से आप नाप रखेंगे। आपका हिप का नाप है 18.5 और घेरे का नाप है आपका 19 इंच। तो आप कैसे नाप रखेंगे, तो सबसे पहले हम हिप का निशान लगाएंगे। ये हमारा हिप है, यहाँ पे 18.5 है, तो यहाँ पे देखिए 9 इंच। आपको कपड़ा देखना है, अगर आपका थोड़ा खिंचाव वाला कपड़ा होगा तो आप 18.5 से थोड़ा कम भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन हमारा कपड़ा ये ओके तो हम उसी पे निशान लगाएंगे। और 19 इंच हमारा घेरा है, तो हम यहाँ पे देखिए इधर निशान लगाएंगे 19, यानी 9.5 पे। फिर हम क्या करेंगे, इस सीधे फुट्टे की मदद से इस निशान से इस निशान पे सीधा कर लेंगे। फिर आपको जितना मार्जिन देना हो चाक में फोल्ड के लिए, उतना आप मार्जिन के हिसाब से इसे निशान लगा लेंगे। फिर ये होता है निशान हिप का। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लेंगे अपनी ब्रेस्ट का नाप, तो वो कहाँ पर होता है, ये वाला निशान होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे और यहाँ से ये सिलाइयाँ होंगी, सिलाइयों को पकड़ के आप नापेंगे, तो ये नाप आपका आ रहा है 17.5 इंच, ठीक है, 17.5 ये नाप है आपका। तो नीचे की कमर की तरफ में जो गोलाई होती है, क्योंकि हमारे सिले हुए कपड़ों में हम एग्जैक्ट नहीं नाप सकते कि उसकी कमर कहाँ पर है, तो हम गोलाई देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गोलाई आपकी साफ नज़र आ रही है, तो जहाँ पे ज़्यादा कम होती है उस जगह से हम इसको कमीज़ को नापेंगे। तो ये देखिए हमारा नाप आ रहा है यहाँ पर 15 इंच, 17.5 और कमर 15 इंच। तो 17.5 में दोस्तों हम जो अपनी आर्मोर लेंथ रखेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसका साइज़ हल्का है और बैक गला भी दोस्तों इसमें नापना ज़रूरी होता है, पहले हम बैक गले को भी नाप लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आगे का गला 6 इंच है, पीछे का गला 5.5 है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों अगर जो 17.5 का हमारा जो नाप होगा पूरा तैयार, वो होगा 35 इंच। तो 35 इंच आप हमारी उस कटिंग के हिसाब से भी, गले डीप के हिसाब से कटिंग सीख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, उसमें आप गले डीप के हिसाब से कटिंग सीख सकते हैं। लेकिन ये जो नाप है आपका, इस नाप के हिसाब से कटिंग कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से आप निशान लगाएंगे पहले 7 इंच में, और दूसरा निशान जो लगेगा दोस्तों वो आपका निशान लगेगा 14.5 पे, क्योंकि ऐसा होता है कमर का निशान ज़्यादातर 14 इंच पे होता है, तो हम 14.5 पे या 14 पे हल्के साइज़ में रखते हैं, हैवी साइज़ होगा तो 15 या 15.5 पे रखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे। दोस्तों हमने ये दोनों निशान के साथ ऊपर वाला निशान भी सीधा कर लिया, अब हम रखेंगे अपना ऊपर का निशान का, ठीक है, जो है 17.5 का आधा हमारा 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और 15 इंच हमारी कमर है तो 7.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी ये सेफ पट्टी होती है, इस सेफ पट्टी को हम देखिए इस तरीके से इस निशान तक ऊपर की तरफ से रखने के बाद निशान लगाएंगे, और यहीं बिल्कुल सेम ऊपर से भी करेंगे। तो दोस्तों ये निशान हमारा लग चुका है। उसके बाद इसमें जो हमारा दोस्तों फ्रंट आएगा, ये वाला हिस्सा फ्रंट होता है, वो आएगा यहाँ पर हमारा 6.25 इंच का, तो हम ये 6.25 पे निशान लगा लेंगे। और इसमें जो तीरा आएगा, जो कि हमारा बैक गला 5.5 और 6 इंच है, तो इसमें हमारा तीरा आएगा 11 इंच, 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे, और ब्रॉड जितना आप पहनना चाहें हम 3.5 इंच का रखेंगे। फिर इस निशान से इस निशान तक सीधा करें और आप इसे फ्रंट की सेफ दे देंगे। सेफ देने के बाद दोस्तों यहाँ से आप ये निशान लगाया 0.5 इंच डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद दोस्तों हम इसे करेंगे अब कटिंग, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये तो आपका साइज़ के अकॉर्डिंग है, लेकिन कभी भी किसी का भी नाप हो, क्योंकि हम हमेशा चलते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी किसी कस्टमर का जब सूट आता है नाप का, तो आप अपनी तरफ से कभी भी कुछ नहीं करेंगे। आपको किस तरीके से नाप लेना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस जगह से जो गोलाई आ रही है, ये गोलाई आ रही है, तो आपको यहाँ से इंची टेप रखना है और इस तरीके से आपको नापना है, तो ये आपका आएगा 11.5 इंच नाप आ रहा है ये आपका, ठीक है। तो ये देखिए हमने फ्रंट में जो निशान लगाया है, गोलाई है, इधर से हमारा आ रहा है 11.5, बाजू में दबाव चले जाएगा तो हमारा ये कितना आएगा 11.5 इंच,
ठीक है, इतना इतना दबाव जाएगा तो ये 11.5, यानी कि जो हम कटिंग कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बनाए तो ये हमारा 11.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से आपको कटिंग करनी है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि आप बैक कटिंग कैसे करेंगे। तो बैक कटिंग के लिए आप बैक पल्ले को ऐसे रखेंगे और ये जो गोलाई आ रही है आपकी तकरीबन इतनी नीचे होती है, 4 इंच के आसपास, ये 4, 4.5 के नीचे आप यहाँ पर इसको नापेंगे तो ये हमारा आ रहा 12.5। ठीक है, 12.5, 13.5। तो ये देखिए हम यहाँ पे अभी आपको बता देते हैं, 12.5 है तो यहाँ पर हमारा जो निशान आएगा वो हमारा निशान आएगा 7 इंच से 1 सूत कम। यहाँ पे हमने देखिए 7.5 पे ले लेते हैं हम, क्योंकि हमारा 12.5, 12.5 निशान है तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगा लिया। उसके बाद इस फुट्टे से यहाँ तक हम निशान लेके आएंगे। इसके बाद हम इसे इस तरीके से सेव दे देंगे। तो दोस्तों ये हमारा निशान लग चुका है जो मैंने आपको बताया है। और एक चीज़ और है इसके अंदर, आप ब्रॉड का पता कैसे चलेंगे कि वो ब्रॉड कितना पहनेंगे। पहली बात तो हम 5.5 रखते हैं इतने हल्के साइज़ में। दूसरा, ये आपकी कंधी हो गई तो आप इसे इंची टेप से नापेंगे तो ये देखिए हमारी कंधी आ रही है इसमें 2.25 इंच। ठीक है, हमने 2.75 इंच निशान लगाया, 2.75 इंच के बाद हमने 2.25 ये लगाया निशान। तो दोस्तों आप देखेंगे जितना मार्जिन हमारा बचा है इसमें हमारी बाडू चढ़ जाएगी। तो यानी कि बिल्कुल परफेक्ट निशान लगा लिया था हमने एक ही बार में। तो इस तरीके से आप नाप नाप के कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। फिर एक ट्रिक और है इसके अंदर, आप इसको इस तरीके से पकड़ने के बाद ये जो आपका आर्मोल वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये जो हमने आर्मोल लेंथ रखी थी 7 इंच, तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं नाप के हिसाब से। वो कैसे करेंगे, आपको इस तरीके से पकड़ना है और डबल में नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 8.25 इंच के आसपास। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको जो इसमें समझाने वाला हूँ इसको आपको बहुत ही बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले हमारा ये फिटिंग का निशान है, हमारी बाजू इस जगह से चढ़ेगी, ठीक है, ये हमारा कंधी कटिंग होगी और इतनी कंधी जुड़ेगी तो हमें यहाँ तक नापना है। कैसे नापेंगे, पहले हम फ्रंट को हिस्से को नापेंगे इस हिसाब से, देखिए इंची टेप घुमाएंगे जितना हम दबाव लेंगे उसके हिसाब से ये हमारा निशान आ गया यहाँ पे 8.5 पे। ये निशान के बाद हमारा 1/2 इंच यहाँ पे दबेगा तो हमारा यहाँ पे 8.5 पे निशान आ गया। 8.5 को हम ऐसे पकड़ेंगे, फिर हम बैक वाले हिस्से पे भी देखिए इस हिसाब से जितना मार्जिन लेंगे उस हिसाब से आप बैक वाले पल्ले को भी नापेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था ये 16.5 आ रहा है, 8.5 यानी 16.5 हो गया। तो ये देखिए बिल्कुल मतलब परफेक्ट हो गया एकदम, ठीक है। तो ये हमारा 16 आ रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा 16 आ रहा है। तो हम ये वाला हिस्सा खींच के बाजू को हल्की नम करके चढ़ाएंगे, जब हम इसे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक 8.25 आपका आ जाएगा मुड्डा। तो दोस्तों हमारा निशान जो है परफेक्ट इसमें लग चुका है। और जो भी टिप्स थी मैंने आपको इसमें बता दिए नाप के सूट में, किस हिसाब से आप आर्म लेंथ भी देख सकते हैं, कंधी को अपने हिसाब से देख लें, फ्रंट और बैक को भी बिल्कुल कमीज के हिसाब से कैसे कटिंग करेंगे। तो ये दोस्तों इस हिसाब से आपको निशान लगाना है, उसके बाद आप कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऊपर से सीधा कटिंग करेंगे, फिर करेंगे इसे 1/2 इंच डाउन, फिर यहाँ से हम दोस्तों सबसे पहले बैक को कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे हमें जितना मार्जिन देना है उतना मार्जिन देंगे और उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। और यहाँ से आप हिप पे मिला देंगे जो हमने निशान लगाया है, उसके बाद इसको बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमने ये कटिंग करने के बाद इसको भी कटिंग कर लिया। अब हम एक कट ये लगाएंगे, एक कट हम ये लगाएंगे, एक कट हमारा हिप का, एक कमर, एक ये हमारा ब्रेस्ट साइज, एक हमारा ये ब्रॉडनेस का, एक हमारा सेंटर का। तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें हमने ब्रेस्ट जो हमारा होता है फर्स्ट ब्रेस्ट सेकंड ब्रेस्ट ये नाप नहीं है, क्योंकि इसी साइज़ के अंदर हमारा जिस कस्टमर का ये है उनका फर्स्ट ब्रेस्ट ही मतलब चलता है नाप, उनके फर्स्ट और सेकंड ब्रेस्ट बराबर है। क्योंकि आप लोग को कंफ्यूज होगा कि इसमें सेकंड ब्रेस्ट का निशान क्यों नहीं लगाया, तो उनका निशान नहीं है। और अगर किसी का ये चीज़ होगा तो आपको कैसे पता करना है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। आप कमीज़ को इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बस आपको ये सिलाइयाँ देखनी है। तो आप देखिए इसमें सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपकी सिलाई इसमें सीधी आने के बाद फिर यहाँ से ऐसे तरीके से आएगी तो आपको देखना होगा। अगर कमीज़ में प्लेट हो
ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको नाप रखना है। तो इसमें हमारी बिल्कुल यहाँ से लेके ब्रेस्ट से लेके ऊपर से कमर तक मिला के आ रही है सिलाई, यानी कि इसमें फर्स्ट और सेकंड ब्रेस्ट का चक्कर नहीं है, सीधा ऊपर से हमें नाप रखना है। तो दोस्तों ये अगर किसी का यहाँ पर गोलाई होती है तो जहाँ पे आपकी गोलाई होगी वहाँ से जब डाउन होगी तो आपको वहाँ से ऊपर से नीचे तक नापना है, तो आपका प्लेट का निशान भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद दोस्तों जो हमारा ये वाला पल्ला था, जो हमारा ये हिस्सा बचा है, आपको क्या करना है, ये हमारे देखिए फूल ऊपर जा रहे हैं, हम ये एक निशान लगा लेंगे पहचान के लिए ताकि आपको बता पाएँ। इसको हम फोल्ड करते हैं और इसको अलग कर देते हैं। ये वाला हिस्सा इसको हम देखिए इस तरीके से हटा लेंगे, फिर हम अपना दूसरा पल्ला लेते हैं, उसमें हम बताते हैं आपको किस हिसाब से बिछाएंगे और कटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हम अपना दूसरा पल्ला लेंगे, इसमें भी बूटी ऊपर की तरफ जा रही है और हमने रखा था यहाँ से नाप, जो हमारा नाप था 9.5 और उसमें हमने 2 इंच प्लस करके 11.5 का नाप रखा था यहाँ से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सीधा उल्टा भी देखना होगा, प्लेन कपड़ा नहीं है इसलिए, और बूटियों को भी देखना है कि ऊपर की तरफ जाएं, तो इस तरीके से आप करेंगे और यहाँ से करने के बाद इस तरफ से आप नापेंगे 11.5 इंच। तो हम यहाँ से पहले 11.5 नाप के निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 11.5 पे आप निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरीके से निशान को निशान पकड़ के आप इसको बिछा के इस पर क्रीज की प्रेस लगा लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमने प्रेस लगा के इसकी क्रीज बना ली है। और अब आप क्या करेंगे, अपना फ्रंट वाला पल्ला लेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस हिसाब से आपको ओपन करके नीचे की तरफ से आपको मिलाना है। पहले आप इसको यहाँ तक मिलाएं, उसके बाद पल्ला पकड़ के आप यहाँ से ऊपर तक मिलाएंगे। मिलाने के बाद दोस्तों आप इसे बिल्कुल बराबर से कटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने बैक वाला पल्ला कटिंग कर रखा है पहले ही। अगर हमने फ्रंट कटिंग करा होता तो हमें ध्यान देना होता है, लेकिन आप कभी भी बैक वाला पल्ला पहले काटेंगे तो आप दूसरा पल्ला बेखौफ होके आप इसको कटिंग कर लें। तो हम पहले बिल्कुल बराबर से इसको कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों जहाँ जहाँ आपने कट लगाए थे वहाँ वहाँ कट लगा लें। ये कटिंग लग गई, उसके बाद हम इसको हटा देते हैं नीचे वाले पल्ले को, और फ्रंट वाले पल्ले को अलग रखने के बाद हम इसका फ्रंट छाटेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट छट चुका है। और आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर आप देखेंगे आपको उल्टी तरफ से दिखती होगी, ये हमारी बूटी ऊपर जा रही है और ये वाली बूटी भी हमारी ऊपर जा रही है। फिर हम इस कमीज़ को तय करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ बाजू कैसे निकलेगी। तो बाजू के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कमीज़ को उठाएंगे और इसके बाजू को नापेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी कमीज़ है, हम यहाँ से देखिए तीरे के पास से इस जगह से हम बाजू को इस तरफ से नापेंगे कि कितनी लेंथ है इसकी। तो इसकी लंबाई दोस्तों आपके 19.5 है। यहाँ से हम नापेंगे इसकी मोहरी, तो ये मोहरी है इसकी 9 इंच, 19.5 9, क्योंकि हमारी ये 4.5 आ रही है, गोलाई में 9 इंच हो गई। उसके बाद दोस्तों आप बाजू का ये सेंटर जहाँ सिलाई लगी इसे ऐसे पकड़ेंगे। तो दोस्तों आप देखिए ये सिलाई वाले हिस्से से ऐसे पकड़ने के बाद इसको नापेंगे, तो ये देखिए हमारा ये पड़ रहा है 7 इंच। ठीक है, हल्का सा फ़र्क है क्योंकि दबाव में हो जाता है, तो ये हम 7 इंच कटिंग करेंगे इसके आर्मोल को। तो दोस्तों इस हिसाब से आपने नाप लिया, तो हम 7 इंच हमारा आर्मोल है, तो हम किस हिसाब से नापेंगे, सबसे पहले आप अपना कपड़ा लेंगे। तो दोस्तों हमें कपड़े को नापना होता है, जैसे 7.5 है तो 7.5 का डबल करेंगे 15, तो हम यहाँ से नापेंगे 15। ये 15 के बाद हमारे पे काफ़ी कपड़ा है, जो कि हमारा मतलब बाद में जो मार्जिन रखेंगे वो आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए दोस्तों ये निशान हमने लगा के दिखाया था दूसरे वाले में, इसमें भी हम निशान लगा लेते हैं। ये निशान हो गया, इसमें बूटी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, और ये निशान लगाया था दोस्तों हमने पहले वाले पल्ले में जो आपको दिखाया था सीधी तरफ, इसमें भी बूटी ऊपर जा रही है। इन दोनों निशानों को आप इस तरीके से मिला लें और अंदर वाला हिस्सा सीधा रखेंगे, ऊपर वाला आप उल्टा रखेंगे। फिर इस हिसाब से आप इन दोनों कपड़ों को मिला लें। और दोस्तों मिलाने के बाद आप इसको ऐसे करने के बाद बिल्कुल कपड़े को बिछा लें, उसके बाद इस पर प्रेस लगा के इसको साफ़ करके क्रीज बना लें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इंची टेप को ऐसे लेंगे, एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, हल्का साइज है तो आप 3.25 इंच पे एक निशान लगा लें,
3.5 पे भी लगा सकते हैं और ऊपर तक लेके आएँ। 19.5 इंच की हमारी बाजू थी, हम 20 पे निशान लगाएंगे, आधा इंच हमारा बाजू चढ़ाने के उसमें जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोनों निशानों को करेंगे सीधा। उसके बाद दोस्तों ऊपर की तरफ से हमारी 9 इंच की मोरी थी, यानी 4.5 इंच थी सिंगल। तो ये देखिए 4.5 हमने निशान यहाँ लगा लिया, गोलाई में पूरी 9 इंच हो गई। यहाँ से हमारा आर्म होल था 7 इंच, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमारी सेफ पट्टी आएगी काम में, जो यहाँ से गोलाई होती है, अगर किसी को फिटिंग बाजू चाहिए तो इस हिसाब से आप लगाएं, इस निशान से इस निशान तक। अगर किसी को नॉर्मल चाहिए तो आप इस हिसाब से आप इस निशान तक मिला के निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप कटिंग करें तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप आर्म होल अगर सही तरीके से ना काट पाते हों तो आप इसे निशान लगा लें इस तरीके से, और आप पहले यहीं से कटिंग करेंगे। फिर यहाँ से जितना आपको मार्जिन देना उतना मार्जिन देके कटिंग करें, और जितना आपको दोस्तों तुरपाई में फोल्ड देना उतना कटिंग कर लें। ये कटिंग करने के बाद आप एक यहाँ पे तुरपाई के फोल्ड के लिए कट करेंगे, दूसरा बाजू जोड़ने के लिए, तीसरा आप सेंटर बाजू का मिलाने के लिए। उसके बाद दोस्तों आप इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस बाजू को ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ से दोस्तों आप फ्रंट का निशान भी उठा लें और आप इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमारी बाजू भी निकल गई, और बाजू भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए बूटी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि बाजू कभी भी पहनेंगे कोई तो ये हमारा ऊपर की तरफ हिस्सा आता है, हाथ नीचे की तरफ होगा, तो उनका देखिए बूटी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी, और दूसरे वाली बाजू की भी आप देखिए बूटी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, आप इसी तरीके से कोई भी सूट काटेंगे कढ़ाई वाला जिसमें बूटियाँ होंगी, तो आपकी बूटियाँ बैक पल्ले की, फ्रंट पल्ले की, बाजू की, इस हिसाब से आप सारी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे अमीना बुटीक चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।